गुड मॉर्निंग एवरीवन, पैरामाउंट एग्रो क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि आपके कमेंट्स को देखते हुए करंट अफेयर का वीडियो का डिमांड था, तो करंट अफेयर्स आज की सीरीज में हम करंट अफेयर्स देखेंगे फैब मंथ के। ठीक है, तो आज हम बेसिकली थ्योरेटिकल बेसिस पे हम करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं करंट अफेयर्स की। तो फर्स्ट ऑफ फैब से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ फैब, सबसे इंपॉर्टेंट डे और इवेंट्स होता है आईसीजी, इंडियन कोस्ट डे, भारतीय तटरक्षक दिवस, इंडियन फर्स्ट फैब। ये एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ इसका? 1977 में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? राकेश पाल। ये फर्स्ट फैब को इवेंट जो है, ये जो डे है, ये इंपॉर्टेंट डे, इसके डीजी राकेश पाल हैं। डीजी राकेश पाल। और ये बेसिकली इसका वर्किंग क्या है कि समुद्री सुरक्षा के लिए, समुद्री सुरक्षा के लिए जो हमारे इंडियन मैप में ये जो सदर्न वाला पार्ट है, यहाँ कर्नाटका, गोवा एंड ये सब चीजें, यहाँ अरेबियन सी से यहाँ के वाटर जो एरिया है, इससे ये हमारा प्रोटेक्शन करता है। आई तो फर्स्ट फैब को इंडियन कोस्ट डे 1977 में एस्टेब्लिश हुआ। डीजी कौन है? राकेश पाल। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट न्यूज। अभी न्यू लेटेस्ट रामसर साइट, न्यू रामसर साइट जो है वो अभी उनकी लिस्टिंग आई है, जो कि फाइव न्यू रामसर साइट घोषित की गई है। फाइव, अब ये टोटल, सबसे पहले इन फाइव से पहले 75 थी, अब इसमें फाइव और इंक्लूड हो गई है, तो ये कंप्लीट रामसर साइट जो है वो 80 हो चुकी है। अब रामसर साइट का मीनिंग क्या होता है? जो भी आद्र वाला जो एरिया होता है, वेटलैंड जिसे कहते हैं, वेटलैंड्स और गीला वाला जो क्षेत्र होता है, उसके प्रोटेक्शन के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए ये एक एग्रीमेंट साइन हुआ था 1971 में। गेटिंग 1971 में, और ईरान शहर से स्टार्ट किया गया था। ईरान जो ईरान से इसकी शुरुआत हुई थी, और इंडिया ने इस वाले एग्रीमेंट पे 1982 में अपने साइन किए। मतलब इंडिया ने साइन की इस वाले एग्रीमेंट को 1982 में। टोटल रामसर साइट जो है वो 80 हो चुकी हैं अब। और इसमें सेकेंड ऑफ फैब वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये डे मनाया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ फैब को इंडियन कोस्ट डे, भारतीय तटरक्षक बल 1977 में, सेकेंड ऑफ फैब को वर्ल्ड वेटलैंड डे। और इससे रिलेटेड इसका जो थीम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डे के बनस्पत कभी कभी थीम पूछता है, वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग, ये इसका इंपॉर्टेंट थीम और ये डे। अब ये जो फाइव जो रामसर साइट है,
ये कौन कौन सी है? तमिलनाडु से दो और कर्नाटका से थ्री। तमिलनाडु से दो ली गई है और कर्नाटका से थ्री ली गई है। अब इस पे तमिलनाडु से कौन कौन सी टू ली गई है? कराईवती बर्ड सेंचुरी, कराईवती बर्ड सेंचुरी। नंबर वन, सेकंड इज लॉन्गवुड शोला, लॉन्गवुड शोला। ये दो हैं तमिलनाडु से। बात करते हैं कर्नाटका की। कर्नाटका को शॉर्ट में KRN, कर्नाटका। कर्नाटका से थ्री है, कर्नाटका से थ्री आएंगी मगड़ी केरे, मगड़ी केरे, मगड़ी केरे, अंक समुद्र, अंक समुद्र बर्ड सेंचुरी। एंड लास्ट वन इज अघनाशिनी, अघनाशिनी। एश्चुरी। अब एश्चुरी का मतलब क्या होता है? कर्नाटका, हम सबको पता है कर्नाटका इस वाले एरिया में, इस वाले पार्ट में आता है। कर्नाटका यहाँ पर है, ये पूरा वाटर बाउंड्रीज है, पूरा वाटर बाउंड्री है। यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ अरेबियन सी है। अब कर्नाटक में जो भी रिवर है ना, ये अघनाशिनी रिवर है। तो अघनाशिनी रिवर पहली बात कहाँ? कर्नाटक में है। और अघनाशिनी रिवर का जो जो नदियां ऐसे सागर में जाती है, और जो उसका मुंह जो होता है, मुंह, उसको ही एश्चुरी या मुहाना कहते हैं हिंदी में। वो जो ओपन माउथ होता है नदी रिवर का, नदी का, तो वो जब अरेबियन सी में मिलती है तो उसे ही एश्चुरी एश्चुरी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? एश्चुरी। तो लर्न हुई ये नंबर वन, ये नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर और नंबर फाइव। तो ये न्यू अभी रामसर साइट की डिक्लेरेशन हुआ है 1971 में। रामसर साइट, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितनी भी वेटलैंड्स एरिया होते हैं, आर्द्र या मार्श, दलदल वाला जो क्षेत्र होता है, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, उसके कंजर्वेशन के लिए हमने ये डे 2nd of Feb को डिसाइड किया है। गेटिंग? और ये जो टोटल जो रामसर साइट है वो कितनी हो गई है? आप 80 हो गई है। तमिलनाडु से दो, कराईवती बर्ड सेंचुरी, लॉन्गवुड शोला, कर्नाटक से थ्री डिक्लेयर हुई है, मगड़ी केरे, अंक समुद्र बर्ड सेंचुरी और अघनाशिनी एश्चुरी। गेटिंग? नाउ मूव ऑन थर्ड। अब इंडेक्स हुआ है। इंडेक्स में हम बहुत सारी चीजें आती है, लाइक हैप्पीनेस, वर्ल्ड वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स क्या रहा है, करप्शन इंडेक्स क्या रहा है, और हंगर इंडेक्स हमारा, उसमें रैंकिंग आती है। तो अभी मैं अगर इन तीन इंडेक्स की बात करूं, हंगर, करप्शन और एक हैप्पीनेस, हंगर में हमारी रैंकिंग 2023, अभी इसका 24 का अपडेट नहीं हुआ है, 111, 111 हमारे इंडिया की रैंकिंग आई है, जो कि ज्यादा अच्छी नहीं है। करप्शन में 180 कंट्रीज के अंदर हम 93rd, ये बिल्कुल लेटेस्ट है 2024 का, 93 रैंकिंग आई है इंडिया की। और हैप्पीनेस में हम लोग हैं 126 पोजीशन पर, ये भी अकॉर्डिंग टू 2023 है। गेटिंग?
और इसमें जो फर्स्ट टॉप कैटेगरी है वो फिनलैंड। फिनलैंड की कैपिटल, कैपिटल ऑफ फिनलैंड हेलिंस्की। कैपिटल ऑफ फिनलैंड हेलिंस्की। और 2023 के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो हैप्पीनेस के अंदर इंडिया की रैंकिंग 126 है और फिनलैंड जो है इसमें टॉप टॉप मोस्ट हैप्पी कंट्री, सबसे खुशहाल देश फिनलैंड। और करप्शन का जो अकॉर्डिंग बिल्कुल लेटेस्ट 2024 के अकॉर्डिंग तो हमारी जो रैंकिंग आई है 93 के अंदर, 93 रैंकिंग आई है। अब मैं इसमें करप्शन में सबसे जो टॉप कंट्रीज हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला रहा डेनमार्क, नंबर वन पोजीशन पर करप्शन में, नंबर वन। यानी कि करप्शन में नंबर वन नहीं है इसका रैंकिंग, डेनमार्क जो है वहां पे करप्शन फ्री, करप्शन नहीं है वहां पर। गेटिंग 90, हमारी जो रैंकिंग है इंडिया को रैंकिंग मिली है 93, बट जो टॉप करप्शन फ्री, करप्शन का जो इंडेक्स देखा गया है वो डेनमार्क। डेनमार्क सबसे मतलब करप्टनेस नहीं है वहां पर, इतना ज्यादा करप्शन नहीं है डेनमार्क। देन अगेन फिनलैंड, फिनलैंड तो टॉप करेगा क्योंकि सबसे हैप्पी जो कंट्री है वो फिनलैंड, फिनलैंड की रैंकिंग बहुत अच्छी है। देन न्यूजीलैंड, और अगर मैं एशियन कंट्रीज की बात करूं, एशियन कंट्री में कंट्री की अगर हम बात करें तो सिंगापुर। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमसे ज्यादा से ज्यादा करंट में पूछ लेगा कि रैंकिंग क्या है भारत का इसमें, इस सूचकांक में, भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है। तो भाई भारत की स्थिति 93 रैंक पर है गेटिंग, और इस पे नंबर वन पोजिशन पे कौन सा देश है, तो डेनमार्क है। नंबर टू फिनलैंड और न्यूजीलैंड, ये टॉप थ्री जो कंट्रीज हैं ये हमें लर्न करनी है। और एशियन कंट्रीज में सबसे टॉप पर सिंगापुर, सिंगापुर की भी रैंकिंग अच्छी है, करप्शन फ्री। और इसे रिलीज कौन करता है, ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। करप्शन इंडेक्स को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिलीज करता है। गेटिंग नाउ मूव ऑन नेक्स्ट न्यूज। मलेशिया के अभी न्यू किंग डिक्लेयर हुए हैं, न्यू किंग कौन है वो, सुल्तान इब्राहिम। मलेशिया के, मलेशिया के। और अभी मालदीव के, मालदीव बहुत ज्यादा अभी उसमें रहा भी है क्योंकि वहां मोदी जी वहां लक्षद्वीप में ट्रिप पे चले गए थे, तो मालदीव में भी दो तीन जो मिनिस्टर्स हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया। अभी मालदीव के जो न्यू प्रेसिडेंट हैं वो भी डिक्लेयर हुए हैं, और मुझे मालदीव की कैपिटल भी, मालदीव मालदीव के प्रेसिडेंट और मालदीव की राजधानी कैपिटल, तो मालदीव की जो कैपिटल है, राजधानी है वो माले। प्रेसिडेंट पहले इब्राहिम सोलिह थे, अब सोलिह ना रह करके अब एक नए नए प्रेसिडेंट मिले हैं मालदीव को, वो है मोहम्मद मोइजू। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये न्यू अपॉइंटमेंट हुई है इसलिए। और मलेशिया के जो नए किंग मिले हैं सुल्तान इब्राहिम, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, मलेशिया और मालदीव अगर मैंने एक साथ इन्हें पढ़ा दिया है तो ठीक है। तो मलेशिया का ध्यान रखना, सुल्तान इब्राहिम, और मालदीव की कैपिटल माले, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद मोइज़ू। और अभी और भी कई सारी न्यू न्यू अपॉइंटमेंट हुई हैं, CISF, CRPF, ITBP।
CISF, CRPF और ITBP, अभी इनमें भी न्यू न्यू अपॉइंटमेंट्स हुई है। जैसे मलेशिया का सुल्तान इब्राहिम मिले हैं, जो उन्हें नए किंग हैं, ये किंग है भाई, किंग। मलेशिया में क्या है, 9 रॉयल फैमिलीज हैं, तो वही जो रॉयल फैमिलीज के जो किंग्स होते हैं ना, तो वही कंटिन्यूअसली वो क्या करते हैं, इनको मिलता रहता है इस चीज का शासन, कि अब मलेशिया पे सुल्तान इब्राहिम का शासन है और ये मलेशिया को नए किंग, ये पूरी राज सत्ता को संभालेंगे। मालदीव के मोहम्मद मोइज़ू, अभी CISF की नीना सिंह, नीना सिंह को अपॉइंट किया गया है। CISF का एस्टेब्लिशमेंट, या स्थापना, अगर मैं हिंदी में, स्थापना कब हुई? CRPF अनीश दयाल सिंह, अनीश दयाल सिंह, और ITBP राहुल रसगोत्रा, राहुल रस गोत्रा। अब मुझे इन सब का एस्टेब्लिशमेंट बताओ, कि CISF, CRPF और ITBP। CISF का जो गठन हुआ है वो 10th of March 1969। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, ये तीनों ही फोर्स ये हमारी सेना के बल हैं, ठीक है। CISF, CRPF, ITBP। तो CISF जो है वो 10th of March 16, नहीं ये लग रहा है, टेंथ ऑफ मार्च 1969। CRPF 1939, और ITBP 1927, 1962। इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स, CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एंड CISF सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो इन तीनों का एस्टेब्लिशमेंट, इन तो तीनों के जो डीजी हैं, जो इनके महानिदेशक हैं, इनकी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, वो CISF के नीना सिंह जी हैं, CRPF अनीश दयाल सिंह जी, और ITBP के राहुल रसगोत्रा जी हैं। गेटिंग, मलेशिया के किंग मिले हैं, मालदीव कंट्री है, कैपिटल इसकी माले है, और CISF, CRPF और ITBP। अब बात करते हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की। खेलो इंडिया विंटर गेम्स, या शीतकालीन जिसे कहते हैं हिंदी में, शीतकालीन, शीतकालीन जो गेम्स हुए हैं, इसका अभी फोर्थ एडिशन हुआ है, चौथा संस्करण। अब विंटर गेम्स हैं तो ऑब्वियसली इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की नीड नहीं है, कि नॉर्मल नॉर्थ एरिया जो होता है हमारा, वो विंटर बहुत ज्यादा वहां ठंड पड़ती है, तो ये कहाँ पर कंडक्ट हो रहे हैं, ये वहां पर J&K और लद्दाख में होस्ट हो रहे हैं, ये J&K और लद्दाख में होस्ट हो रहे हैं। इसका मस्कट, मस्कट मतलब होता है एक शुभंकर, जैसे कि हम किसी चीज का लोगो बनाते हैं, तो उसी तरीके से जब भी कोई भी गेम्स होते हैं, जो भी कंडक्ट होते हैं जब भी, तो ये एक शुभंकर बनाया जाता है इसका। तो इसका शुभंकर क्या है अभी? शिन ए शाह, शिन ए, तो ये इसका शुभंकर है। 2024 में हुआ है और फोर्थ एडिशन है, शीतकालीन गेम, J&K, लद्दाख। अब J&K और लद्दाख से एक और इम्पोर्टेंट चीज आती है, कि इनके मनोज सिन्हा,
मनोज सिन्हा जो है वो J&K के क्या है, LG है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, और लद्दाख के BD मिश्रा। अभी ये सब चीजें भी राज्य राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स चल रही हैं अभी। जैसे J&K के मनोज सिन्हा LG हैं और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो BD मिश्रा हैं। और अभी लेटेस्ट उड़ीसा के राज्यपाल और त्रिपुरा के राज्यपाल, ये अभी नवंबर लास्ट नवंबर दिसंबर में ही अपॉइंट हुए हैं, उड़ीसा और ओडिशा के, और ये ओडिशा के गवर्नर और त्रिपुरा के, ओडिशा के रहे हैं गवर्नर रघुवर दास, रघुवर दास। और त्रिपुरा के जो गवर्नर रहे हैं राज्यपाल वो इंद्र इंद्रमती रेड्डी। साउथ के हैं ये, साउथ से बिलोंग करते हैं। और त्रिपुरा गवर्नर, त्रिपुरा के जो गवर्नर हैं वो अभी न्यू अपॉइंट हुए हैं। ओडिशा के जो गवर्नर हैं वो रघुबर दास अपॉइंट हुए हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स में आ जाता है, क्योंकि बहुत छोटा सा बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन जब ये नहीं आता तो बहुत बड़ा बन जाता है एग्जामिनेशन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की। सिक्स्थ खेलो इंडिया यूथ गेम, ट्वेंटी कहाँ होस्ट हुआ, तमिलनाडु। ये TN मतलब तमिलनाडु। होस्ट हुआ तमिलनाडु में, होस्ट या आयोजित किया गया। इसका जो शुभंकर है, मस्कट जिसे कहते हैं, वीर मानगई, वीर मानगई इसका इसका हुआ। और तमिलनाडु में ये कहाँ कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, एक तो चेन्नई में, त्रिची, कोयंबटूर, और एक लास्ट हुआ मदुरई में। 1, 2, 3, 4, ये जो फोर सिटीज है तमिलनाडु की, इनमें ये सिक्स्थ सिक्स्थ एडिशन है इसका, छठा संस्करण है खेलो इंडिया यूथ गेम, खेलो इंडिया युवा खेल 2023 तमिलनाडु में चेन्नई, मदुरई, कोयंबटूर और त्रिची में आयोजित हुआ है। इसका जो शुभंकर है वो वीर मान गई है, यही इसमें इंपॉर्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा आपको टिपिकल करने के लिए इसका संस्करण पूछ लेगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम तमिलनाडु में आयोजित हुआ, यह इस वर्ष का कौन सा संस्करण रहा है। तो ये इसका सिक्स्थ संस्करण रहा है, तमिलनाडु में आयोजित हुआ। इसका जो शुभंकर था वो वीर गई रहा। नेक्स्ट न्यूज, यूपीएससी। अभी यूपीएससी के चेयरमैन कौन है, यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी जी हैं। अभी इसके जो मेंबर्स हैं, इसके 10 मेंबर्स होते हैं, कमीशन के 10 मेंबर्स होते हैं, जो कि कौन अपॉइंट करते हैं। और जो ये तो चेयरमैन है यूपीएससी के चेयरमैन, चेयरमैन और इनके जो सदस्य हैं, जो 10 मेंबर्स हैं, इनको अपॉइंट कौन करता है, इन्हें अपॉइंट करती हैं प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट, प्रेसिडेंट अपॉइंट
चेयरमैन एंड मेंबर, जो यूपीएससी के चेयरमैन हैं और जो सदस्य हैं, 10 जो सदस्य होते हैं, वो इन्हें कौन अपॉइंट करते हैं? उन्हें प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। यूपीएससी का जो टेन्योर होता है, कार्यकाल की अगर मैं बात करूं तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, यानी कि इन दोनों में से जो भी पहले हो जाए, तो 6 ईयर का इनका कार्यकाल रहता है और 65 साल की उम्र में इनका रिटायरमेंट मतलब पोस्ट हो जाता है 65 में। अब जो 10th मेंबर अभी अपॉइंट किए गए हैं, उनका नाम है संजय वर्मा। संजय वर्मा, बस एक ये नॉलेज देनी थी कि यूपीएससी के करंट चेयरमैन कौन है और प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को और इनके मेंबर को। तो क्वेश्चन पूछ सकता है पॉलिटी से रिलेटेड कि चेयरमैन यूपीएससी के, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं और जो उनके सदस्य होते हैं, उन्हें कौन नियुक्त करता है? अपॉइंट मतलब नियुक्त करता है, तो कौन नियुक्त करता है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति जो होते हैं वो उन्हें नियुक्त करते हैं। ना तो कोई किसी देश का राज्यपाल, ना कोई मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। ओनली ऑन कौन, किसके पास पावर है? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास पावर है यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करने की। और इनका जो टेन्योर रहता है वो 6 to 65 ईयर्स का रहता है। अभी इंडियन नेवी ने 2024 को एक ईयर घोषित किया है, वो ईयर है ईयर ऑफ नेवल। नेवी ने 2024 को ईयर ऑफ नेवल ये डिक्लेयर किया है। ये तो किसने घोषित किया है? इंडियन नेवी ने। अब एक क्वेश्चन है कि यूएन ने 2024 को किस ईयर के नाम से इसका एस्टेब्लिशमेंट किया है, और 2023 जो हमें सबको पता है कि ईयर ऑफ मिलेट्स था, जो भी प्रीवियस ईयर था वो तो ईयर ऑफ मिलेट्स था, ठीक है। ये ज्वार बाजरा से रिलेटेड श्री अन्नदाता इस तरीके का 2023 रहा है, ये यूएन ने घोषित किया। अब यूएन ने 2024 को ईयर ऑफ कैमलेट्स, ईयर ऑफ कैमलेट्स घोषित किया है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ने, यूएन का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र। अभी 19th एशियन गेम्स भी हुए हैं, इस पे भी थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। 19th एशियन गेम्स जो हुए हैं वो चीन के हांगझाओ में हुए हैं। अभी तो नहीं हुए, ये 2023 में हो चुके हैं, बट फिर भी एक ओवरऑल चीन में हुए। ये 2022 के थे जो कि 2023 में कंडक्ट हुए हैं, ठीक है। कहाँ हुए? हांगझाओ में हुए, 19th एशियन गेम्स हैं। अब ये 20th जो एशियन गेम होगा वो कहाँ होगा? वो जापान के नागोया में होगा, नागोया सिटी, नागोया शहर में होगा। यहाँ आपकी करंट अफेयर की सीरीज कंप्लीट हुई, और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये कैसा ओवरऑल कैसा रहा वीडियो, आपको हेल्पफुल रहे। थैंक यू सो मच।